थोड़ा सा अगर उस बारे में बताए कि किस तरह की फिल्म है, क्या कुछ तैयारियाँ चल रही है फिल्म को? अभी तो बेसिक स्टेज है, बेसिक स्टार्टिंग फेज है, और जैसा कि नाम आप देख रहे हैं, इसका नाम है डेथ टैप, मौत की थपकी। और इस कहानी को सारांश में अगर मैं कहूँ एक लाइन में, तो ये है कि क्या किसी को न्याय मिलता है, क्या किसी को न्याय मिलता है? फॉर एग्जाम्पल, सपोज एक क्राइम हुआ, एक मर गया और एक क्रिमिनल है, एक तो मुर्दा है एक क्रिमिनल है, कोर्ट केस चला, न्याय किसको मिला? सजा हो गई तो क्या न्याय मिल गया? वो मर गया तो क्या उसको न्याय मिल गया? अगर इसको सजा मिल गई तो क्या उसको न्याय मिला, या वाइस वर्सा? अगर बाई चांस क्राइम करने के बाद कई बार ऐसा होता है कि क्रिमिनल को सजा नहीं होती है, बरी हो जाता है, क्यों? फिर किसको न्याय मिला? इसको न्याय मिला नहीं मिला? सारांश यही है कि किसको क्या किसी को न्याय मिलता है। देखिए नहीं, एक्टर्स के सिलेक्शंस तो हो चुके थे, सिर्फ हमें ये कंफर्म करना था कि हु विल गेट विच कैरेक्टर, विच कैरेक्टर, बाकी कास्टिंग तो हम कर चुके थे, तो ये फाइनल है। कुछ नॉन फेसेस भी होंगे इसमें, लेकिन दे आर ऑन एज यूजुअल डे टू डे वर्क। कम्युनिकेट किया एंड द होल एक्सपीरियंस बेस्ड ऑन दैट, तो सर से सीखने के लिए बहुत अच्छा था। और बात करते करते सर ने मुझे प्रपोजल मेरे सामने रखा कि आई एम जस्ट स्टार्टिंग, सो आर यू रेडी टू जॉइन मी? सो सर के साथ काम करना इज लाइक यूनिवर्सिटी में काम करना, तो बहुत कुछ सीखने मिले। सो स्ट्रेट अवे आई जस्ट गिव द गो अहेड फॉर दैट। सर मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जैसे आपने कहा क्या किसी को न्याय मिलता है, फिल्म का नाम है मौत की थपकी। नहीं, वो सिर्फ समझ के लिए मैंने थोड़ा सा रखा है, मौत की थपकी नहीं है, बेसिकली डेथ टैप, यानी कि हाँ, डेथ टैप यानी टैप। फिल्म का नाम तो क्या किसी को न्याय मिलता है, ये ही अगर रख लेते तो ये तो एक पूरी तरह से हर एक सब्जेक्ट को कवर करता है, ये सिर्फ क्राइम को सब्जेक्ट कवर कर रहा हूं। मानता हूं, लेकिन उसमें डिस्क्लोज होता एक पर्टिकुलर फील्ड, जबकि इस सब्जेक्ट में मैंने पूरे न्याय प्रक्रिया के साथ साथ जीवनी को भी दर्शाया है। जब कहानी फ्लो करती है तो इसमें जीवन चरित्र इम्पोर्टेंस है, तो उनको कैसे उनके साथ मैं न्याय कैसे करता, इसीलिए वो नाम नहीं रखा था। सर इस फिल्म के लिए क्या क्या रिसर्च करनी पड़ी आपको, उस बारे में कुछ बताइए। और एक्टर्स जो आपने कैरेक्टर आज चुने हैं, कौन से कैरेक्टर में कौन सा एक्टर नज़र आने वाला है, अगर उस बारे में भी बताएं। ये अभी इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग, क्योंकि आपके सामने जो हुआ सो हुआ, तो मैं फाइनलाइज करूँगा कल। किस तरह से फ्लोर पर जाएगी फिल्म, क्या कुछ होने वाला? हाँ, फ्लोर पे हम जा रहे हैं 20 तारीख को, 20th of May। कौन से सिटीज है या फिर कौन सी कंट्री? नहीं, ओनली टू प्लेसेस, वी आर शूटिंग इन मुंबई एज वेल, इन मुंबई एंड लखनऊ। तो मुंबई में जो लोकेशंस हैं वो हैं, और लखनऊ में भी जो लोकेशन है वो, ओनली टू सिटीज, क्योंकि ये कहानी दो शहरों की ही है, मुंबई और दिल्ली की, मुंबई और लखनऊ की। सर इसके अलावा कोई नॉन फेसेस को ऑन बोर्ड लाने का प्लान है? यस, मैंने जैसे कहा कि कुछ लोग हैं, लेकिन वो एज पर देयर अवेलेबिलिटी एंड आवर टर्म्स, देयर डेट्स। सॉरी, सार क्या है कहानी का, थीम क्या है? आपको बताया क्या किसी को न्याय मिलता है? ये यूथ से जुड़ी हुई कहानी है कि या फिर ये तो ज्यूरी से जुड़ी हुई कहानी?
कोर्ट आप कह सकते हैं कि सटाक्ष है न्यायालय पे, न्याय पे। और क्या रियल इंसिडेंट्स पे बेस्ड है? नो, नथिंग रियल, किसी रियल स्टोरी नहीं है ये, और हो भी नहीं सकती है। या बाई चांस एक्सीडेंटली अगर कहीं कुछ मैच करता हो तो शायद एक आध सीन मैच कर सकता है कहानी ने। तो कहाँ से इंस्पिरेशन मिली इस कहानी के लिए, उस बारे में कुछ बताएं, कैसे इंस्पायर हुए, कैसे ये कहानी आपके पास आई? कहानी नहीं आई, ये सवाल आया था। अच्छा। एक केस था इंडिया का, अपना ही है, आप लोगों ने भी उस केस को बड़ा ध्यान से सुना होगा, देखा होगा, कि निर्भया कांड में जो क्रिमिनल्स हैं आधे तो जेल में ही मर गए, दूसरा जो न्याय मिला मैं उससे सेटिस्फाइड नहीं था, ये मेरी अपनी सोच है। तो उसी दिन ये सवाल पैदा हुआ था कि क्या किसी को न्याय मिलता है, उसकी तलाश में इस कहानी का जन्म। सर मतलब कह सकते हैं कि जो न्यायपालिका है उसके ऊपर बहुत बड़ा सवाल उठाने जा रहे हैं फिल्म के थ्रू। राइट, बिल्कुल। क्योंकि हमारी डेमोक्रेसी का एक स्तंभ है वो, अगर वही कमजोर हो तो कैसे चलेगा। फिल्मों को लोगों तक पहुंचाने के लिए संगीत भी बहुत अच्छा माध्यम होता है, इसमें किस प्रकार के संगीत होंगे, किस कौन से गायक सिंगर आप इसमें चयन करते हैं? नाम बताना तो अभी बड़ा मुश्किल हो जाएगा मुझे, लेकिन सिर्फ तीन गाने हैं। एक तो जर्नी है, मैं जैसे मैंने कहा किरदारों की कहानी है, तो उनकी जीवन यात्रा भी इसमें हम दर्शा रहे हैं। चयन, कैरियर बहुत बड़े सवाल हैं कि आदमी 10th 11th के बाद एक कैरियर चूज़ करता है, कई बार वो सेटिस्फाइड होता है, कई बार नहीं होता है, कारण क्या है वो कैरियर्स को चूज़ करने का, ये कई सवाल हैं जिनके जवाब हम देते हैं इसमें। और सर लास्टली क्या मैसेज देना चाहेंगे ऑडियंस को? और जैसे मैंने कहा कि आप न्यायपालिका पर एक सवाल तो उठा ही रहे, लेकिन साथ ही एक मैसेज भी जाएगा, साथ ही ये मैसेज यही जाएगा, क्या हमें न्याय मिलता है? ये हर इंसान को सोचने की चीज़ है, क्या हमें न्याय मिलता है? क्योंकि हम कहते हैं हम आज़ाद देश के नागरिक हैं, लेकिन क्या मिलता है? क्योंकि मैंने ये सुना है कि फिल्में जीवन को प्रभावित करती हैं, कभी कुछ होता है तो लोग बोलते हैं कि ही वॉज इंस्पायर्ड बाई दैट फिल्म, लेकिन 80% चांसेस मैंने देखा है कि ओनली नेगेटिव थिंग्स आर लर्न्ड बाई द सोसाइटी फ्रॉम द फिल्म्स, क्या फिल्मों में अच्छाई नहीं दिखाई देती? तो मैं सबसे सवाल यही पूछने चला था, क्या किसी को न्याय मिलता है? सो थैंक यू सो मच फॉर योर क्वेश्चन सर, एंड आई वुड लाइक टू आंसर इट इन सच अ वे कि हम सभी लोग कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में एक्टिंग करें, और मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हुई ये सोच के कि एक कैमरे के माध्यम से आप करोड़ों लोगों तक पहुँचने का मुझे मौका मिल पा रहा है। एक आर्टिस्ट को कुछ नहीं चाहिए, एक अच्छा प्लेटफॉर्म और एक अच्छी कहानी चाहिए जहाँ पे वो लोगों को अपना टैलेंट दिखा सके। तो मुझे लगता है कि ये बेस्ट फीलिंग है इस पूरी दुनिया की एक्टर्स के लिए। तो सो या सर, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि पहली बार सर के साथ काम करने का मौका मिल रहा है, और एक्साइटेड तो हैं हम लोग, डेफिनेटली हैं, बट अभी तक जैसा कि उदय सर ने बताया कि कैरेक्टर्स नहीं पता कौन सा मिलने वाले हैं, बट जो भी मिलेगा हम अच्छे से निभाएंगे, और पूरी कोशिश यही रहेगी कि हम जो भी कैरेक्टर मिले जस्टिफाई कर पाएँ उसके साथ। और सॉरी सर, लोगों के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए कि कौन सी फिल्में की हैं या फिर डेब्यू में, उनकी शेयर कर दीजिए हमारे लोगों के साथ। ओके, बेसिकली सर मेरे को तो 10 साल हुए यहाँ पे, एंड ओरिजिनली आई एम फ्रॉम जयपुर, और काफ़ी टीवी शोज़ किए हैं, और एक मेरी फिल्म आने वाली है, मैं डिस्क्लोज अभी तो नहीं कर पाऊँगा सर, बट डेफिनेटली आई डू, और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है पिछले 10 साल का। और मैडम, सो एज़ यू ऑल नो, मेरा नाम प्रगति चौहान है, मैं अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती हूँ, मैंने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई की है, इसलिए आप लोगों से ज़्यादा कनेक्टेड फील कर पा रही हूँ एज वेल। एंड सो टॉकिंग अबाउट एक्टिंग, तो ये बस हो गया, कहते हैं कि डेस्टिनी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, वो मेरे साथ हुआ है। मैं मेरा कोई ऐसा प्लान नहीं था कि मैं इंडस्ट्री में आऊँगी, बट या
इट कम अक्रॉस कि मुझे मॉडलिंग के थ्रू चांस मिला, क्योंकि मेरी हाइट ठीक ठाक है, तो मुझे एक प्रोजेक्ट मिला. मैं उस टाइम दिल्ली में काम कर रही थी एंड धीरे धीरे करते करते मुझे थिएटर्स में भी बहुत ज़्यादा रुझान आने लगा. मैंने थिएटर्स किया, उसके बाद आई गॉट सम शॉर्ट फिल्म्स, एड फिल्म्स, म्यूज़िक एल्बम्स, वो मैंने की. उसके बाद मैं यहाँ मुंबई पहुँची, सपनों के शहर, जहाँ पे मैं आज आप सब लोगों के सामने हूँ. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. क्या कहना चाहेंगे, कितने एक्साइटेड हैं आप लोग, और थोड़ा सा अगर अपने बारे में थोड़ा सा हमारे ऑडियंस को बताएं. ओके, सो मैं बहुत नर्वस थी. Why should I lie? I never took that. So मैं बहुत nervous थी the moment I entered here, because I was not planned even. मैं कहीं और shoot कर रही थी और मैं direct यहाँ पर आ गई ऐसी ही costume में with the hair and makeup on, and I was like, fine, देखते हैं क्या होता है. And the moment I entered, I was nervous. I did my first trial. It was good. The second one was better. So I felt more good. मैं बहुत अच्छा feel कर रही थी and जो direct कर रहे थे scene को वो बहुत अच्छे से मतलब हमें treat कर रहे थे, तो obviously I felt amazing. एंड मेरा ऑडिशन मेरे हिसाब से अच्छा गया है, बहुत अच्छा गया है. मैं और अच्छा कर सकती थी, बट ड्यू टू सम टाइम थिंग नहीं हो पाया. बट आई एम फीलिंग अमेजिंग राइट नाउ, वेरी मच कॉन्फिडेंट दैट येस आई कैन डू इट, एंड दैट्स इट. वेरी मच हैप्पी. हाँ, तो एक्चुअली ऐसे कुछ प्लान करके किया नहीं था, लेकिन जो इस तरह के ऑडिशन्स होते हैं, जितने मैं ऑडिशन्स देते आ रहा हूँ, ये जो इस ऑडिशन में इस तरह से देखने को मिला है कि आपको अपने को एक्टर के साथ रिलेट कर पाना, आपके को एक्टर की एनर्जी मैच कर पाना, उनके साथ आपका गिव एंड टेक होना, वो जो इतना इंपॉर्टेंट होता है, जो हम कैमरा पे देखना चाहते हैं, वो एग्जैक्टली आपके ऑडिशन में हो रहा है कि नहीं. क्योंकि आप जब एक टाइम पे ऑडिशन देते, अकेले ऑडिशन दे रहे होते हैं, उस टाइम पे आपको क्यूज़ मिलते हैं या फिर उस तरह का कुछ होता है, तो उसमें वो एनर्जी थोड़ी मिसमैच रहती है, आप एक फ्लो पकड़ नहीं पाते, एक मोनोटोनस परफॉर्मेंस हो जाता है. यहाँ पे वो परफॉर्मेंस नहीं है, यहाँ पे वो सिचुएशन है, उस सिचुएशन में आपको डाला गया है, तो उसमें और ज़्यादा मज़ा आता है. तो हाँ, इसी तरह से मैं इस टाइप के ऑडिशंस का वेट करता हूँ कि मुझे इस टाइप का ऑडिशन करने को मिले. और हाँ, तो जितना मैंने परफॉर्म किया, आई थिंक मैंने एक ही सीन परफॉर्म किया, उसमें जितना हो सके मुझे लगा कि मेरी एनर्जी थोड़ी मे बी फ्लक्चुएट हुई है, लेकिन मज़ा आया. हाय, दिस इज निकिता, आई एम फ्रॉम पुणे. एक्चुअली दिस इज माई फर्स्ट हिंदी ऑडिशन, सो आई वॉज सो एक्साइटेड. सो अच्छा दिया, और बेटर कर सकती थी, बट लेकिन टाइम के वजह से या थोड़ी थकावट के वजह से थोड़ा इधर 19-20 हो गया, बट नेक्स्ट टाइम मैं अच्छा करूँगी. और या नाइस. थैंक यू थैंक यू सो मच थैंक यू.